करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है हमारी नई गाड़ी के रिलेटेड। ये हमने गाड़ी ली है होंडा स्विक रीबर्थ, जो कि हमें बहुत अच्छी कंडीशन में मिली है। इसकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये लेने के लिए मैं इस्लामाबाद भी गया था। इस्लामाबाद की नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा अप थे। लाहौर भी गया था, लाहौर में गाड़ी मुझे इतनी साफ़ नहीं मिली, तो मुझे ये गाड़ी अपने शहर से ही मिली, फैसलाबाद से ही, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। इंजन का ओवरऑल बहुत अच्छा है। खैर, मैंने इसके कुछ छोटे मोटे काम करवा लिए थे, लाइक जैसे ट्यूनिंग, और इसकी मैंने फ्रंट ग्रिल चेंज की थी, जो 16 मॉडल की आती है FB2 की। और मेरे चैनल का नाम था मोहसिन FD, जो कि अब हो गया है मोहसिन FB। FD रिबॉर्न को कहते हैं और FB कहते हैं रीबर्थ को, लेकिन हमारे चैनल का नाम यही रहेगा FB। हमें बड़ी ही मोहब्बत थी उस गाड़ी के साथ, लेकिन खैर, वो जिसको हमने दी है, उम्मीद है कि वो उसके साथ मोहब्बत करे, जो कि नहीं कर रहा। मैं आपको उस गाड़ी की मज़ीद वीडियोस दिखाऊंगा कि उस गाड़ी की कंडीशन क्या है। खैर, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये गाड़ी दिखाता हूँ। ये फुल ऑप्शन है, 13 मॉडल है। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इतनी गर्मी में आज 42 टेम्परेचर है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉयज, सीन्स ये है कि मैंने अभी गाड़ी वॉश करवाई है, कि ज़रा साफ शाफ करके आपको गाड़ी दिखाते हैं। आगे यार बारिश का मौसम बन गया है यार, क्या करें अब, क्या करें अब, तो नहीं बनेगा, हम इसको अब रखेंगे। अभी ये देखें, यहाँ से मैं कार वॉश करवा के निकला हूँ। ओ नहीं ब्रो, आंधी ना आए ब्रो, अभी 500 लगाया ब्रो, क्या कर रहे हो। अब कोई डॉक्टर कहेगा एयरबैग की लाइट आ रही है। यार वो इसलिए आ रही है, मैंने स्टीयरिंग ओपन करवाया था मुकम्मल स्टिच करवाने के लिए, तो उससे अंदर वाला जो होता है जैक, वो नहीं लगा, इसलिए आ रही है लाइट। ठीक है, कोई डॉक्टर ना बनने की कोशिश करे। ये देखें, हम मौसम चेक करें, हम घर पहुंच जाएं और कपड़ा डाल दें बस। बड़ी हैवी आंधी है। The next day. तो बॉयज, गाड़ी के सीन्स की जो बात है, ये ग्रिल मैंने चेंज की थी, ये 16 मॉडल की है FB2 की, और इस गाड़ी के कलर को कहते हैं अर्बन टाइटेनियम मेटेलिक। अभी आप ये देख सकते हैं। खैर, इसके धूप के अंदर पर्ल्स काफ़ी ज़्यादा शो होते हैं। ये मैंने स्ट्रिप्स चेंज की थी, ये क्रोम हैंडल चेंज किए थे, और जहाँ तक बात है स्पॉइलर की, ये स्पॉइलर मैंने लगवाया था, और इसके अंदर LEDs रिवर्स लाइट के अंदर और इंडिकेटर के अंदर लगे हुए हैं, और खैर नंबर प्लेट चेंज की थी। इसके अलावा अगर इंटीरियर की बात की जाए, इंटीरियर के अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये फैब्रिक सीट्स हैं, ये मैंने चेंज नहीं की, ये UG मॉडल नहीं है, ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। और इसका ओरिजिनली इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जो कि ठीक चलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये गाड़ी फुल ऑप्शन है, और गाड़ी अभी फुली स्टॉक है, तो फुली स्टॉक चलाने का ज़्यादा मज़ा है। देख सकते हैं, कोई किट शिट नहीं है, और कंडीशन आपके सामने है। Love.
over to the fat lady sings. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big old ooh, smile, that's about all you got. बॉयज़, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी नई गाड़ी पसंद आई होगी। अभी ये फ़िलहाल पूरी स्टॉक है, इसमें हम LEDs बल्ब लगाएंगे, जो कि अभी इसमें हेलोजन्स लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।